नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स जो जुलाई बाद में होंगे उनके लिए 6 महीने का करंट अफेयर्स ज़रूरी होगा, तो हम यहाँ पे नेशनल और राजस्थान के करंट अफेयर्स अलग अलग पढ़ रहे हैं। नेशनल करंट अफेयर में मैंने जनवरी 2020 के करंट अफेयर यहाँ पे आपके लिए डाल दिए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन्हें सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया जनवरी से लेकर अगस्त तक की मतलब हर एक महीने के करंट अफेयर्स मैं आपको मंथ वाइज मंथ पढ़ाऊँगी। तो जनवरी के लगभग मैंने 53 क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एक वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे तो वो आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार उनका रिविज़न भी करवा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का बजट। राजस्थान के करंट मैं इसलिए डाल रही हूँ दोस्तों कि कई लोग होते हैं जो कि जो मतलब राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे नेट हो गया, उनमें सिर्फ नेशनल जीके ही आती है, तो उनके लिए राजस्थान की जीके चाहिए ही नहीं होगी। और राजस्थान जैसे रीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में नेशनल और राजस्थान दोनों की जीके आएगी, इसलिए दोनों की क्लासेस हम यहाँ पे साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो राजस्थान की क्लास में हम करंट अफेयर्स में राजस्थान का बजट सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे, तो बजट की एक क्लास हम पहले पिछले वीडियो में ले चुके हैं। यहाँ पर बजट का दूसरा वीडियो है, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएँ जो इस बार बजट में आई थी और कुछ इंपॉर्टेंट अभियान जो चलाए गए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान का बजट 2019 और 2020। यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा दोस्तों, इस बार के बजट में आया है कि यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा, युवाओं को सही दिशा दिखाने और निरंतर नया करने की प्रेरणा देने हेतु। क्या यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को सही दिशा दिखाने और निरंतर नया करने की प्रेरणा देने हेतु चलाया जाएगा। एक खेल एक शुरू की जाएगी, राजस्थान में राज्य खेल भी प्रारंभ किए जाएंगे। देखो, एक खेल और एक उद्यमी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मतलब कि जो भी हमारे राजस्थान के मेन बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होंगे, उनको मोटिवेट किया जाएगा एक किसी भी खेल को गोद लेने के लिए, है ना। जैसे कि मान लो कि हमारे राजस्थान को कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने फुटबॉल को गोद ले लिया है, या फिर हमारे राजस्थान में हॉकी को गोद ले लिया या कबड्डी को गोद ले लिया है ना। अब वो क्या करेगा कि जैसे मतलब बिजनेसमैन होते हैं तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब कबड्डी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उसके एड्स बनाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, कबड्डी के मैच करवाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल स्कूल लेवल्स पर जाके कबड्डी को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करेंगे। तो सरकार ऐसा ही कर रही है कि एक एक उद्यमी को मतलब जो भी बिजनेसमैन है वो एक खेल गोद ले ले, कोई सा भी खेल गोद ले ले और उसके प्रचार प्रसार का काम करे, ऐसा कार्य सरकार इस बार की योजना में लेके आई है। राजस्थान में राज्य खेल भी प्रारंभ किए जाएंगे, जैसे दोस्तों नेशनल गेम्स होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, उनकी तर्ज पर इस बार राज्य में राज्य खेल भी प्रारंभ किए जाएंगे। मतलब ऐसे ही राज्य खेल, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं भारत में हर साल, ऐसे ही हमारे राज्य में राज्य खेल प्रोत्साहित किए जाएंगे, ताकि यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा दिया जा सके, देश में राज्य में खेलों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हम यहाँ पे प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम तो आया दोस्तों युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए और उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देने के लिए यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम लाए हैं। एक खेल एक उद्यमी योजना है कि किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेसमैन को किसी भी खेल को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, वो अपनी इच्छा से जिस खेल को अडॉप्ट करना चाहे। राजस्थान में राज्य खेल प्रारंभ किए जाने की योजना भी इस बार के बजट में लाई गई है। अब है दोस्तों जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक क्या होता है, एक मिनट, नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक निशुल्क और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए निशुल्क और तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो जनता क्लिनिक है ये तमिलनाडु के सीएम थी ना जयललिता, उन्होंने सबसे पहले खोला था अम्मा क्लिनिक। अम्मा क्लिनिक उनके हर राज्य मतलब उनके हर जिले के गली मोहल्लों में आपको अम्मा क्लिनिक मिलेंगे, और अम्मा क्लिनिक में क्या होता था, फ्री में सारी ये जो अपन को दवाइयाँ होती थी ये मिलती थी, है ना। तो तमिलनाडु में ये योजना लाई गई थी और वो वहाँ पे बहुत सफल हुई थी, है ना। तो उनकी देख के कई जगहों पर, दिल्ली में भी ऐसे क्लिनिक खोले गए, कई जगहों में अलग अलग नाम से ऐसे क्लिनिक खोले गए। तो इस बार के बजट में राजस्थान सरकार भी ला रही है जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक में क्या होगा,
कि नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक से नज़दीक ये भी हमारे हर जिले के हर मोहल्ले में खोलने की कोशिश की जाएगी, तत्काल मतलब तुरंत और निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, मतलब तुरंत प्राथमिक चिकित्सा हमें प्राप्त हो उसके, इसके लिए जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। और जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है हमारे जयपुर में, वहाँ पे बीपीएल परिवारों को, वरिष्ठ नागरिकों को एक तो सीटी स्कैन और एक एमआरआई की मुफ्त में जांच कराने की सुविधा दी गई है। दो मेडिकल के क्षेत्र में दो इस बार योजनाएं लाई गई है दोस्तों, एक तो अम्मा क्लिनिक खोले जाएंगे और एक जो बीपीएल परिवार के और बीपीएल परिवार के लोग और वरिष्ठ नागरिक दोनों को एक तो सीटी स्कैन और एक एमआरआई, क्या एक तो सीटी स्कैन और एक एमआरआई है ना, इनकी जांच मतलब ये जांचें फ्री में हो सकेंगी इस बार, है ना। एसएमएस हॉस्पिटल में इस बार के बजट में ये व्यवस्था की गई है। अब है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट क्या है दोस्तों, ये शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लाया गया है, मुख्यतः बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, ठीक है। राजकीय चिकित्सालयों में नवजात बालिकाओं को यह दिया जाएगा। क्या होगा कि जो भी नई बालिकाएं जो जिनका जन्म राजकीय चिकित्सालय में होता है, उनको इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिया जाएगा, जिसमें बच्चे की देखभाल से संबंधित सभी तरह की चीज़ें उस किट में होंगी। तो ये किस लिए लाया गया है दोस्तों, एक तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कि जो डिलीवरी होती है बच्चों की वो चिकित्सालयों में हो सके, मतलब उसका पंजीकरण हो सके और बच्चों का स्वास्थ्य और माँ का स्वास्थ्य दोनों ठीक रख सके, एक तो इसलिए। दूसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी हो, क्योंकि जो घर पे डिलीवरी होती है उनमें बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो शिशु मृत्यु दर में इससे कमी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेंगे। और एक है नवजात बालिकाओं की संख्या बढ़ेगी, घर में जो बालिकाएँ पैदा होती हैं बहुत सारे लोग, आज भी कम हो गया है लेकिन आज भी नवजात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो इसलिए लाया गया है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट। इस किट में सभी प्रकार के बच्चों के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो दी जाएंगी। अब है आवासीय पालनहार छात्रावास योजना। ये क्या है दोस्तों, ये है कि 18 वर्ष के ऊपर के पालनहार योजना के लाभार्थियों हेतु लाई गई है और उन्हें आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो, ये हॉस्टल है जो आवास, जिनका नाम है आवासीय पालनहार छात्रावास। अब देखो, इसमें क्या होगा कि जो पालनहार योजना के अंतर्गत जो बच्चे आ रहे थे, अब जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की हो गई है, उन्हें आवासीय पालनहार हॉस्टल अब उपलब्ध होंगे। मतलब उनके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पालन योजना जो सरकार लाई थी उसमें कौन कौन से पात्र बच्चे होते हैं। पालनहार बच्चों में वो पात्र बच्चे होते हैं दोस्तों जो अनाथ होते हैं, है ना, या फिर जिनके माँ बाप की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, या फिर जिनको पालने वाला कोई भी नहीं है, है ना। तो उन बच्चों के लिए सरकार एक योजना लाई थी जिसमें क्या होता था कि इन बच्चों के जो रिश्तेदार होते हैं वो इनको पालेंगे और सरकार इनके लिए उनको 500 रुपये मासिक, मतलब इनके पोषण के लिए 500 रुपये मासिक देगी सरकार उनको, जो भी उनको पाल रहा है उनका रिलेटिव कोई है उसको 500 प्रतिमा है। तो ये थी पालनहार योजना, मतलब जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके रिश्तेदार जो उनका पालन कर रहे हैं उनको 500 रुपये प्रतिमा है की दर से दिए जा रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों 500 रुपये ही है, मे भी शायद 1000 भी हो सकता है, पर शायद 500 रुपये ही है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार आप कन्फर्म कर लेना। तो उनके माँ बाप, मतलब उनके रिश्तेदारों को ये दिए जा रहे थे। अब जो वो बच्चे जो पालनहार योजना में आ रहे थे, वो अब उन्होंने मान लो 18 साल से ऊपर की आयु पूरी कर ली, तो 18 साल का बच्चा वयस्क हो जाता है। अब वयस्क बच्चे को, बच्चों का पालन पोषण तक ठीक है, अब वयस्क बच्चों को सब ऐसे ही तो बोलते हैं, अब भाई तू बड़ा हो गया, अब तो कमा सकता है, खा सकता है और रह भी सकता है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो 18 साल से ऊपर के हो गए, सरकार ने आवासीय पालनहार छात्रावास ऐसे हॉस्टल्स खोले हैं कि उनको रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवा सके, जब तक कि उनके पास किसी नौकरी की व्यवस्था ना हो, ठीक है। अब है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रेनिंग सेंटर। ये क्या है दोस्तों, ये जामडोली जयपुर में खोला जाएगा। इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, जामडोली जयपुर में खोला जाएगा। इसमें क्या होगा, मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा जानने वाले दूभाषियों की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु खोला जाएगा और इसके लिए 200 कार्मिकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। देखो, जो भी मूक मतलब गूंगे और बहरे जो बच्चे होते हैं उनके लिए दूभाषियों की व्यवस्था करने के लिए, मतलब जो अपनी लैंग्वेज भी जानते हों और साइन लैंग्वेज भी जानते हों, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कम से कम भी 200 कर्मचारी
ऐसे बनाए जाएंगे जिनको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कहाँ क्या प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? दुभाषीय जिनको बनाया जाएगा, जो सांकेतिक भाषा भी जानते हैं और अपनी वाली भाषा भी जानते हैं। तो इसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है जामडोली जयपुर में। ऐसे 200 कार्मिकों का चयन किया जाएगा और इस सेंटर में उन्हें 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि गूंगे बहरे बच्चों को वो सहायता उपलब्ध करवा सकें, उनकी मदद कर सकें। एक है दोस्तों, राज्य में नई सिलिकोसिस नीति लागू की जाएगी। सिलिकोसिस एक रोग के निवारण के लिए एक नई सिलिकोसिस नीति आने वाली है। जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाया जाएगा। कौन से कानून के तहत बनाया जाएगा? भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 2012 के तहत। इस बार के बजट में घोषणा कर दी गई है कि जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया जाएगा। मतलब हमें जितने भी ये जो बत्ती होती हैं, हम रोड लाइट्स पे जो रुकते हैं, वहाँ पे कितने सारे ये जो आते हैं भीख मांगने वाले, ये लोग जो होते हैं, इनसे जयपुर को मुक्त बनाया जाएगा। और ये कौन सा अधिनियम है? ये है भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 2012। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो नाम से पता चल रहा है कन्यादान मतलब कन्या के लिए दान किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो भी बीपीएल परिवार हैं, उनकी कन्याओं के विवाह हेतु विवाह के वक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। और ये आर्थिक सहायता कितने की दी जाएगी दोस्तों? 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ये। ठीक है, तो कन्यादान योजना में क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान करेगा किसी कन्या का। SC ST और OBC परिवार के जो भी कन्याएं हैं उनके विवाह हेतु 20,000 रुपये 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब है राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास। अल्पसंख्यक जो भी जनजातियां हमारे यहाँ पे हैं या फिर जो भी लोग अल्पसंख्यक हैं राजस्थान में, उनकी बालिकाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। और यह छात्रावास एक ही खोला जाएगा इस बजट में, तो यह कहाँ खोला जाएगा? अलवर में खोला जाएगा। सॉरी, करियर काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, एक जयपुर में खोला जाएगा। और ये किसके लिए होगा या करियर काउंसलिंग सेंटर? यह है जनजातीय जो भी बच्चे हैं उनको अपने करियर के बारे में कैसे उनको शुरू करना चाहिए, उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, इसके लिए यह खोला जाएगा। और कहाँ खोला जाएगा? करियर काउंसलिंग सेंटर जयपुर में खोला जाएगा। सागवाड़ा और उदयपुर में जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। कहाँ? सागवाड़ा भी उदयपुर में ही है, एक तो उदयपुर के सागवाड़ा शहर में और एक स्वयं उदयपुर शहर में। जनजाति वर्ग के दोस्तों उधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में जनजातियाँ बहुत हैं। तो जनजाति वर्ग के लिए क्या करे जाएंगे? 2 उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छी श्रेणी के कोचिंग सेंटर वहाँ पर खोले जाएंगे। कहाँ? एक सागवाड़ा में और एक उदयपुर में। अब है इंदिरा महिला शक्ति निधि। ये क्या है दोस्तों? आपको नाम से पता चल रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ निधि की व्यवस्था, निधि मतलब पैसों की व्यवस्था की होगी, वही होगा इंदिरा निधि। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रियदर्शनी इंदिरा महिला सशक्तिकरण निधि। ठीक है, महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इस हेतु 1,000 करोड़ रुपए की लागत से यह निधि खोली जाएगी। मतलब 1,000 करोड़ रुपए की लागत की कोई जो फंड होगा वो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु खर्च किया जाएगा। इस बार के बजट में यह घोषणा की गई है। तो मतलब इस साल 1,000 करोड़ रुपए की कोई फंड स्पेशल महिलाओं के लिए निश्चित किया जाएगा, जिसका खर्चा सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। कक्षा 6 से 12 के समस्त बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन से बालिकाओं को? 6 से 12 तक की समस्त बालिकाओं को, जो भी राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही हैं, उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया जाएगा। अब जो सरकारी स्कूलें हैं होंगी उनमें 6 से 12 तक के समस्त बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और एक और है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन इस बार 6,000 से बढ़ाकर 75,000। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखिए दोस्तों, ऐसे बातें कोई नहीं पूछता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा। हाँ, ये जरूर सकते हैं कि इंदिरा महिला शक्ति निधि मतलब बजट में आई है, तो इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है? 1,000 करोड़ की। इसमें क्या किया जाएगा? महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। ठीक है, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना, है ना। नाम से भी पता चल रहा है विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना, विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। राजकीय विद्यालयों की मरम्मत, नए कक्षा भवनों और नए विद्यालय भवनों का निर्माण। इसमें क्या किया जाएगा कि पहले से जो विद्यालय है जो जर्जर और पुराने हो चुके हैं, एक तो उनकी मरम्मत की जाएगी,
एक नए तरह के कक्षा भवन खोले जाएंगे, मतलब जिन स्कूलों में कक्षाएं कम है वहां पे और अधिक कक्षा भवन बनाए जाएंगे, और क्या होगा, नए विद्यालय भवन भी बनाए जाएंगे, विद्यालय हेतु मतलब नए विद्यालय और बनाए जाएंगे, है ना, जिनमें कमी है या जो बहुत पुराने हो चुके हैं उसके लिए। तथा तो राज्य में एक नवीन शिक्षा नीति लाई जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत में भी अब नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, और अब एक राज्य में भी नई शिक्षा नीति लाई जाने की बात कर रही है सरकार, और 50 नए प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। नए प्राथमिक विद्यालय कितने खोले जाएंगे दोस्तों? 50, ठीक है। अब मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, इसमें क्या 1 लाख युवाओं को 1 लाख तक का ऋण देना दिया जाएगा। अगर कोई भी युवा किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रारंभ करना चाहता है तो उसे 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 1 लाख युवाओं का चयन किया जाएगा जिसमें 1 लाख तक ऋण दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा बजट। एक बार हम फिर से सारे टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। देखो, राज्य बजट आता है संविधान के अनुच्छेद 202 में। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है कि राष्ट्रीय बजट कौन से अनुच्छेद में आता है, संविधान के अनुच्छेद 112 में, और राज्य बजट कौन से अनुच्छेद में आता है, 202 में, है ना। बजट होता क्या है? एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा बजट होता है। राजस्थान के वित्त मंत्रालय इस बार किसके पास है? स्वयं हमारे प्रधानमंत्री के पास है, अशोक गहलोत के पास में। ये चीज़ें दोस्तों याद नहीं करनी, इसमें सिर्फ राजकोषीय घाटा आपको याद करना है कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा है, 32,67,834 लाख रुपये GSTP का 3.19% रहा है। कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। एक तो इस बार के बजट में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए K3 कोष भी से बोल रहे हैं। प्राकृतिक खेती बढ़ाई जाएगी इस बार, जिसमें खाद का कम से कम प्रयोग, सिंचाई कम से कम और उपज ज़्यादा हो सके, और खेतों का लिए नारा क्या दिया गया है, ले खेतों में जान तो सशक्त किसान। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम लाया जाएगा, जिसमें कृषकों को जो आधुनिक तकनीकें होती हैं उनका सरल तरीके से कृषकों को उनकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए क्या, किसान मेले, संगोष्ठी, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। किसान सेवा पोर्टल भी बनाया जाएगा एक, जिसमें किसान को सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसमें SC ST और OBC की जो भी 8वीं पास छात्राएं हैं उन्हें 21,000 रुपये की सहायता राशि कन्यादान के रूप में दी जाएगी। शहीदों को 25 लाख रुपये या फिर 25 बीघा जमीन, इनमें से एक दी जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है जयपुर में। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कहाँ खोला जाएगा? पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। कुसुम योजना किससे रिलेटेड है दोस्तों? बस आपको इतना याद रखना है, ये नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। गांधी दर्शन म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। क्यों खोला जा रहा है? गांधी जी की 150वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अवसर पर। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा विश्वविद्यालय। यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम क्यों चलाया गया है? युवाओं को शिक्षा देने के लिए और उनको निरंतर प्रेरणा देने के लिए है। और एक नई योजना लाई गई है, एक खेल, जिसमें एक बिजनेसमैन को एक खेल अडॉप्ट करने के लिए कहा जाएगा। अब राष्ट्रीय खेलों की तरह हमारे राज्य में भी राज्य खेल शुरू किए जाएंगे। जनता क्लिनिक बनाई जाएगी, जहाँ पे हमें फ्री चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। BPL परिवारों को SMS हॉस्पिटल में MRI और CT स्कैन की फ्री सुविधा मिलेगी। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट सभी बच्चियाँ जो भी सरकारी हॉस्पिटल में जन्म देती हैं उनको मिलेगा। आवासीय पालनहार योजना, जो पालनहार योजना के अंतर्गत आ रहे थे बच्चे जो 18 साल की उससे ऊपर के आयु के हो चुके हैं उनके लिए बनाया गया है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? जामड़ोली जयपुर में। मूक बधिर बच्चों के लिए दुभाषीय उपलब्ध करवाने के लिए यह सेंटर खोला जा रहा है, जहाँ 200 क्रमिकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य एक नई सिलिकोसिस नीति ला रहा है। राजस्थान के जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान कोष सेम वैसा ही है दोस्तों जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की स्थापना कहाँ की जाएगी? अलवर में। कैरियर काउंसलिंग सेंटर जयपुर में किसके लिए? जनजातीय बच्चों के लिए। सागवाड़ा और उदयपुर में 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति नीति किसके लिए होगी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसमें 1,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। अब सरकारी विश्वविद्यालय में 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंसिस की क्लासेस अनिवार्य बना दी गई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना
योजना किसके लिए है? विद्यालयों की मरम्मत के लिए, नए कक्षा के निर्माण और नए भवनों के निर्माण के लिए। और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना क्या है? 1,00,000 युवाओं को 1,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा बजट। लगभग इसके सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। उम्मीद है आपको बजट समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर बजट से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही अगला कोई भी वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो में अच्छा लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।